देखिए, आपको ऐसा पट्टा बनाने के लिए हम बताएंगे आपको कि ये पट्टा किस तरह से बनेगा। देखिए, पट्टा बनाने के लिए सबसे पहले आप चैन लें। जितना चौड़ाई बनाएंगे उतना ही चैन ले लें। आपको जितना चौड़ा पसंद हो आप उतना चौड़ा पट्टा का चैन ले लें। मैंने 12 लाइन बनाएंगे तो 12 चैन लिए हैं। देखिए, अब हर एक चैन में आप एक एक क्रोशिया बनाते जाएं, चैन में डाल के। हर एक चैन में डाल के एक एक क्रोशिया बनाते जाएं। आपको जितना चौड़ाई चाहिए उतना बना लें। देखिए इस तरह से। ये देखिए, हमने एक लाइन बना लिए हैं। अब ज़्यादा चौला बनाइएगा तो ज़्यादा चौला ले सकते हैं। ये देखिए, अब हर एक कुर्सिया में एक एक कुर्सिया लेनी है। इसे आप यदि हर एक कुर्सिया में एक एक कुर्सिया लेंगे तो आपका एक कुर्सिया कम पड़ जाता है, इसलिए साइड से भी एक कुर्सिया बना लेनी है। उसके बाद हर एक क्रोशिया में डाल के एक एक क्रोशिया लेनी है। इस तरह से आप बनाते जाएं। ये देखिए, हमने बना लिए हैं इतना इतना लंबाई तक हमने बना लिए हैं। देखिए, आपको इस तरह से बन के तैयार हो गए। और लंबा बनाना है, आगे और बनाना है। देखिए इस तरह से बनेगा। देखिए, आपका पट्टा जो है बन के पूरा तैयार हो गया है। ये देखिए, ये पट्टे के ऊपर में हमें डिजाइन बनाना है। किस तरह से डिजाइन बनेगा, सबसे पहले आप कोई भी कलर का ऊन ले लें। हमने सफेद कलर का ऊन लिए हुए हैं। यहाँ पर आप बांध लें। ये देखिए, हमने दूसरे कलर का ऊन, सफ़ेद कलर का ऊन लगा लिया है। ये देखिए, आप इस तरह से आप इस पर डिजाइन बनाए। देखिए, यहाँ पर क्रोशिया ले, एक ही जगह में चार क्रोशिया निकालनी है। इस तरह से ले लें। उसके बाद ठीक इसके बगल में आप इस तरह से हाफ क्रोशिया लें। देखिए इस तरह से ले लें। फिर दूसरा डिजाइन बनाने के लिए फिर इसी तरह से आपको क्रोशिया लेनी है, जिस तरह से यहाँ पर लिए हैं। देखिए इस तरह से क्रोशिया लिया। फिर बगल में जिस तरह यहाँ चार क्रोशिया लिए हैं, उसी तरह से फिर चार क्रोशिया लेनी है। देखिए, हमने चार क्रोशिया ले लिया है। फिर इस तरह से इसके बगल में ठीक हाफ क्रोशिया इस तरह से लेके बांधनी है, बनानी है। देखिए इस तरह से आपका डिजाइन पूरा किनारे किनारे बनता चला जाएगा। फिर इसके बगल में आप हाफ क्रोशिया लें इस तरह से। फिर इसको सटा के फिर आप चार क्रोशिया ले लें। जिस तरह से क्रोशिया लेते हैं उसी तरह चार क्रोशिया लेते जाएं।
फिर इसके बगल में आप उसी तरह से हाफ क्रोशिया लें, इस तरह से आप पूरा लाइन बना लें। ये देखिए इस तरह से आपका पूरा जो है पट्टा में किनारे किनारे डिजाइन बनता चला जाएगा। दोनों बगल इस तरह से डिजाइन बना लिए हैं, ये देखिए दोनों तरफ इस तरह से आप बना लें। ये देखिए हमने पहले बताए थे आपको बनाने के लिए, और फिर आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। देखिए एक ही जगह में आप चार क्रोशिया लें, ये देखिए हमने चार क्रोशिया ले लिए हैं। इसके बाद में आप ठीक इसके बगल में आप इस तरह से हाफ क्रोशिया इस तरह से ले लें। फिर दूसरे डिजाइन बनाने के लिए फिर आप हाफ ही क्रोशिया लें इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद फिर आप इस तरह से डिजाइन बनाएं, फिर यहाँ पर आप चार क्रोशिया लें। ये देखिए हमने चार क्रोशिया ले लिए, फिर आप जिस तरह से बताए थे उस तरह से आप फिर हाफ हाफ क्रोशिया लें। फिर दूसरा डिजाइन बनाने के लिए फिर आप हाफ क्रोशिया लें। उसके बाद फिर ठीक बगल में आप चार क्रोशिया लें। इस तरह से आप पूरा लाइन पूरा कंप्लीट कर दें, पूरा पट्टा का चारों तरफ बना लें। ये आपका पूरा पट्टा बन के तैयार हो गया।